डेली सोप क्वीन एकता कपूर का एक एक्ट्रेस पर गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अब खुलेआम सोशल मीडिया पर एक एक्ट्रेस को फटकार लगा दी है। आपको बता दें, जिससे एकता कपूर खफा हुई है वो टीवी इंडस्ट्री और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी जाना माना नाम है। ये हसीना कोई और नहीं बल्कि राधिका मदान है, जो इन दिनों अपनी फिल्म कुत्ते को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से राधिका मदान और एकता कपूर के बीच तकरार हो गई। राधिका मदान ने ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। दरअसल हुआ ये कि एक लेटेस्ट इंटरव्यू में राधिका मदान ने टीवी इंडस्ट्री को लेकर एक बयान दिया था, लेकिन इस बयान की वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। राधिका मदान ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि टीवी में काम करना बहुत हेक्टिक होता है, एक शिफ्ट 48 से 50 घंटे तक के लिए होती है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया था कि जब भी वो स्क्रिप्ट के लिए पूछती थी तो उनसे कहा जाता था, अरे आप सेट पर चलो, स्क्रिप्ट गर्मा गर्म आ रही है। राधिका का कहना है कि डायरेक्टर लास्ट मिनट में बदलाव कर देते थे, जब वो फ्री होते थे तब वो शूट पर आते थे। पहले एक्ट्रेस एंथनी घोष ने राधिका मदान के इस कमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि उन्हें टीवी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो भी टीवी से ही बॉलीवुड स्टार बनी है। वहीं अब एकता कपूर ने भी राधिका के बयान पर नाराजगी जताई है। एकता कपूर ने राधिका की स्टेटमेंट को शर्म से भरा हुआ बताया है और साथ ही सायंतनी घोष की तारीफ की है। एकता ने अपने इंस्टा स्टोरी पर सायंतनी के इंटरव्यू का क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दुख और शर्मिंदगी की बात है, एक्ट्रेस का अपनी जड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस सायंतनी घोष की तारीफ भी की। आपको बता दें, राधिका ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो मेरी आशिकी तुमसे ही से किया था। ऐसे में उनका टीवी पर दिया ये बयान अब लोगों को खटकने लगा है। वेल, हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।